मैं हूं राकेश तारा। जी हां, आज अगर बात करें तो जेके न्यूज ब्रेक ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है। जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी में दूध आता है, बाहर से लोग दूध लाते हैं, वो दूध किस क्वालिटी का होता है, आज हमने पूरा ग्राउंड लेवल पर स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। जैसे ही दूध उतरता है, हमारे कैमरे ने कैद किया, किस तरह से दुकान पर पहुंचता है वो भी कैद किया, और किस तरह से दुकानदार उसकी सैंपलिंग करके उसे दूध लेते हैं। और एक बात और, ये दुकानदार तो सैंपलिंग करके लेते हैं, लेकिन आम लोग जो दूध लेते हैं वो बिना सैंपलिंग के लेते हैं, और आधा दूध और आधा पानी। हम बताएंगे अपनी रिपोर्ट में किस तरह से उन्होंने जब सैंपलिंग की, हमने कैमरे में कैद की, जो कि एक केजी में 250 ग्राम पनीर निकलना चाहिए, उसे कहते हैं कि अच्छा दूध, क्वालिटी वाला दूध, लेकिन उसके एक केजी दूध से निकला 102 ग्राम पनीर। देखिए, आधे से भी ज्यादा पानी, जो कि हमारे म्युनिसिपैलिटी में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों जो टोटल दूध पर निर्भर है, आस लगाए बैठे हैं कि गांव से लोग आ रहे हैं और दूध ला रहे हैं, और दूध में पानी, और इतनी मात्रा में पानी, और हमारे बच्चों की हेल्थ कैसे हो। जब ऐसे लोग घिनौनी हरकत करते हैं, और म्युनिसिपैलिटी अगर बात की जाए तो इस पर प्रॉपर चेक क्यों नहीं करती, क्यों नहीं दूध आने जाने पर रोज चेक किया जाए, ताकि लोगों को जो है अच्छी क्वालिटी का दूध मिले। लेकिन जब उनसे बात की कि ये लो क्वालिटी का दूध है, तो उन्होंने कहा कि लोग हमें देते हैं और हम आगे बिक्री करते हैं, ये कोई बात नहीं। इस पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि इसको बढ़ावा ही मिलेगा, पानी और मिलेगा। अगर इस रिपोर्ट को देकर उस व्यक्ति के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा डर पैदा होगा कि हम पानी मिलावट ना करें, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी चेकअप करती है और दुकानों पर भी चेक होता है। लेकिन बात करें, हम लोग खुद जब इस बात को जो है ठान लेंगे कि जो बाहर से दूध आएगा उसे चेक कर लेंगे और अपने बच्चों को देंगे, तभी जो सही निर्णय हम अपने बच्चों के लिए कर सकेंगे। बात करें तो कोविड-19 की बीमारी, ये तो हमारे बच्चों की हेल्थ जो है अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इस कोविड-19 में वही जो है बचाव हो सकता है जिसकी हेल्थ जो है ठीक हो। लेकिन बच्चों को अगर पानी पिलाया जाएगा, वो भी आधे से ज्यादा पानी दूध में, तो क्या हेल्थ होगी। जेके न्यूज ब्रेक जो है इसमें जो है पूरी रिपोर्ट तैयार की है आप लोगों को सुचेत करने के लिए कि आप प्लीज आप जो है जो दूध लेते हैं वो चेक कर लें। दाम भी दे देते हैं, लेकिन लेते हैं आधा दूध और आधा पानी। ये लोग जो है टोटल जो है बाहर से जो आते हैं दूध बिक्री करने वाले, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ते में ये पानी और डाल देते हैं, बाहर अगर जिससे खरीदते हैं वो भी डालता है पानी, लेकिन ये लगता है मुझे खुद और पानी डाल कर आते हैं। हमने पूरे दृश्य कैद किए हैं। अगर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो हम चाहेंगे कि ये दूध जो है, ये दूध हमारे बच्चों के लिए जहर है, और बच्चों को, जो बच्चे टोटल दूध पर निर्भर है, क्या ऐसा दूध पीकर वो क्या अच्छा स्वस्थ और अच्छी हेल्थ अपनी पा सकेंगे। कहते हैं ना कि बच्चे की जो है शुरू में दूध अच्छी तरह से पिलाया हो और उसकी हेल्थ होती है, और उसका दिमाग होता है, दिमाग चलता है अच्छी चीजें, और हेल्थी होकर वो कहीं ना कहीं अच्छी समाज में रुतवा रखता है। अगर शुरू में ही दूध में पानी पिलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का हेल्थ तो हेल्थ रहा, कहीं ना कहीं मेंटेलिटी में भी फर्क पड़ता है। जी हाँ, पानी पिलाते रहोगे आप, उसको पैसे पूरे दाम दोगे, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से फिर गुहार लगाते हैं, खासकर हमारे डीसी मोहम्मद नजीर शेख जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके साथ एसएसपी चंदन कोहली जो है प्रॉपर जो है हर बात पर देख रेख रख रहे हैं, और हर चीज वो निगरानी में रख रहे हैं, जिसमें हमारे म्युनिसिपैलिटी या हमारे समाज में कोई बुराइयां ना हो।
लेकिन सबसे पहले हमने अपने बच्चों की हेल्थ देखनी है कि उन्हें बाहर से जो चीजें प्रोवाइड की जा रही है वो किस प्रकार की है, और लगातार दूध में पानी। जी हाँ, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट और आप लोग भी जेके न्यूज का सहयोग करें और आप लोग भी इन पर चेक करें और जो दूध में पानी मिलाता है उस पर आप भी एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान रखने को कहें और उसकी शिकायत करें म्युनिसिपैलिटी में, ताकि वो घिनौनी हरकत ना करे। पानी बेचकर पैसा बटोर रहा है और हमारे बच्चों की जिंदगी जो है खतरे में डाल रहा है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। सर मैं कोई 5-7 मिनट भी उड़िया। ये बारे नहीं लिया, ये महंगा वाला नंबर दे रहे वहां। Thank you.
जेके न्यूज ब्रेक हमेशा जो ग्राउंड की बात बताता है, जी हाँ आज हमने देखा कि किस तरह से अगर हम अपनी मार्केट में देखें तो किस तरह से जो दूध आता है बाहर से, तो हमने पूरा जो है इस पर चेक किया, आई स्टिंग ऑपरेशन किया, जहाँ से दूध आता है, जो व्यापारी लेके आता है और कहाँ पे लाता है और क्या क्वालिटी देता है। और हमारे सामने देखिए ये 1 kg दूध का पनीर निकला है। जी हाँ 250 ग्राम पनीर निकलना चाहिए लेकिन 106 ग्राम पनीर, देखिए कि आधे से भी ज़्यादा पानी का मिलाना। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो राजौरी के सिर्फ इसी दूध पर निर्भर हैं, कहीं ना कहीं वो पानी पी रहे हैं। जी हाँ अगर वो पानी पिएंगे दूध मिलावट का तो क्या उनकी सेहत होगी, क्या वो आने वाली जनरेशन जो है हमारी कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ से जो है लड़ पाएगी? नहीं। अगर इसी तरह से अगर प्रॉपर दूध लोग बेचते रहे, दुकानदार तो अपनी चेक करके लेते हैं, भाई इतना दूध है इतना हमने पनीर निकालना है, दुकानदार अपनी केयर जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो व्यापारी लोग हैं दूध के, वो पानी में मिलावट, देखिए 1 kg से 250 ग्राम जो है पनीर निकलता है लेकिन अभी हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया और आपके सामने लाया कि किस तरह से 1 kg का 106 ग्राम पनीर, देखिए जहां 250 होना चाहिए था वहां 106 ग्राम, कितनी मिलावट है। खासकर हम म्युनिसिपैलिटी राजौरी प्रेसिडेंट आरिफ जट से करेंगे कि किसी तरह से आप जो है बाहर से दूध जो आता है उस पर चेक करें, क्योंकि बाहर से जो दूध आता है आधा नहीं आधे से भी ज्यादा पानी मिलावट है। आज हमारी रिपोर्ट से आपने देखा, हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो बताएगा किस तरह से, देखिए ये 102 जो 250 ग्राम होना चाहिए और 102 है, ये यहाँ पर कैमरामैन को कहेंगे वो आपको बताएगा। और आप लोग जानिए कि किस तरह से आप दूध का शिकार हो रहे हैं, आप दूध नहीं ले रहे पानी ले रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य जो खराब कर रहे हैं। अगर बच्चे ये दूध पिएंगे तो क्या उनको तंदुरुस्ती आएगी, क्या वो अपनी हेल्थ को जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे? लेकिन खासकर अगर देखा जाए तो फूड डिपार्टमेंट वो भी प्रॉपर चेक नहीं करता, वो भी जब कोई त्यौहार आता है या कोई चेकिंग का दिन कोई साल में 1-2 बार चेक करता है, बस प्रॉपर अपने ऑफिस में ही बैठ जाता है। लेकिन जेके न्यूज़ ब्रेक हमेशा जो ग्राउंड पर ही जाता है और आपको बताया कि किस तरह से व्यापारी लोग जो हैं कितना मिलावट करते हैं दूध में, दाम लेते हैं पूरा और देते हैं आधा पानी, आपने रिपोर्ट देखी। आइए हम अब जो है यहाँ के दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे कि आप जब उनसे दूध लेते हैं तो इसी से नाप कर लेते हैं, बताइए कि किस तरह से आप इसी तरह नाप करके लेते हैं? सर हम इसी तरह से नाप के लेते हैं। तो आप मानते हो कि 1 kg में कितना पानी है? पानी तो है सर, इसमें पानी है। तो जब भी आप नाप करते हैं तो इसको जनरेशन चेक करते हैं कि आप दूध ठीक लाए हो? सर हम तो बोलते हैं। तो आप जी सर, देखिए किस तरह से अगर दुकानदार के तो अपने जो है सही दाम देते हैं और सही चीज लेते हैं। अगर 1 kg दूध है तो अगर 102 जो है 102 ग्राम जो है अगर पनीर निकलता है तो उसी के हिसाब से पानी वो पनीर के पैसे देते हैं, दूध के पैसे देते हैं, लेकिन व्यापारी लोग आधा जब भी उनसे बात की जाए तो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हम प्रॉपर चेक कराते हैं। लेकिन आज स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जेके न्यूज ब्रेक ने आज सब लोगों के सामने कि यो बाहर से दूध आता है उस पे है आधे से भी ज्यादा पानी। जी हाँ आइए हमारे साथ व्यापारी हैं जो कि दूध लाकर मार्केट में बेचते हैं और लोगों के बच्चों को जो है आधा दूध और आधा पानी पिलाते हैं। ये है हमारी म्युनिसिपैलिटी की देखरेख और ये व्यापारी लोग
ये नहीं जानते कि अगर यही दूध हम अपने बच्चों को पिलाएं तो क्या हालात होगी। खासकर कोविड-19 की बात करें तो इस समय सर्दी के मौसम में ज्यादा हैवी हो रहा है, और दूध में अगर पानी मिलाएंगे तो कितना जो है ये गलत साबित हो सकता है, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की जान पर आ सकता है। लेकिन ये व्यापारी लोग बस कंटेनर भरते हैं, और जिस तरह से हमने यहाँ आपको बताया कि 1 kg से 250 g पनीर निकलना चाहिए, वो निकला है, हमारे स्टिंग ऑपरेशन हमने किया है, वो निकला है 102 g। जी हाँ, 250 g में से 102 g। आइए बात करते हैं, कहाँ से लाते हैं आप दूध? लाम से। तो लाम से लाते हो तो ये पानी क्यों है इसमें? सर लोग देते हैं दूध, हम भर के लाते हैं, हम इधर सैंपल पे देते हैं पनीर के हिसाब से, पनीर जो निकलेगा उसके पैसे हम लेते हैं, हम बच्चों को थोड़े देंगे। अभी हमने शॉट लिया, आप बच्चों को बेच रहे थे दूध, तो नहीं वहाँ तो सैंपल नहीं ना दिया आपने? कहाँ? जो अभी अभी बिक्री किया है तो उनको कौन सा सैंपल है? उनको तो आप दूध ही बिक्री करते हैं ना? दूध ही बिक्री करते हैं। तो आप मानते हो कि वो कहीं ना कहीं वो पानी वो अपने बच्चों को भी लाते हैं? जो लोग देते हैं सर वो भी तो पतला दूध देते हैं ना, उधर भी तो चेक करना चाहिए ना। नहीं, इसका मतलब वो गलत काम करेंगे तो आप आगे से और गलत काम हम क्यों करेंगे सर? तो आप क्यों कि आधा दूध और आधा पानी? हमने बढ़िया दूध लाया उधर दिया आके। कहाँ बढ़िया दूध लाया? 100 g सैंपल आया। हाँ, 1 kg से आया 100 ग्राम। देखो वो उसको फाड़ा गया ना, इसलिए वो काम आया, अच्छा दूध होता है, उसको डिग्री लगानी चाहिए। डिग्री लगानी हाँ। चाहिए। ये पागल बैठे हैं जो इतना बिजनेस कर रहे हैं, इतनी बड़ी दुकान चला रहे हैं। तो तू एक हिसाब से ये लेंगे ना, पनीर के हिसाब से नहीं, जो पनीर के हिसाब से पैसे देंगे ना भाई। लोगों को आपने अभी दूध बेचा है लीटर के हिसाब से? लीटर के हिसाब से बेचा ना सर। हाँ, तो लीटर के हिसाब से बेचा तो वो कहाँ जाकर अपनी मशीन लगाएंगे या पनीर लगाएंगे? वो अपने बच्चों को पिलाएंगे नहीं? दूध ठीक दिया ना उधर? कहाँ ठीक दिया है, अभी हमने सैंपल लिया है पूरा। सैंपल लिया तो सैंपल ठीक आया ना, और कितना आएगा? अच्छा 100 g आता है 1 kg में? 100 g आता है सर। देखिए किस तरह से द्रल्ले, क्या नाम है आपका? द्रल्ले नहीं है सर। क्या क्या नाम क्या आपका? गाय का दूध है, उसमें सैंपल का नाम क्या है? मक्खन दीन। हम चाहते हैं कि अगर इस व्यापारी पर अगर कार्रवाई ना हुई, मक्खन दीन पर जिस तरह से दूध में पानी मिलाकर बेचता है और बच्चों को कहीं ना कहीं दूध डाइट की जगह पानी पिला रहा है, और बात कैसे कर रहा है। जी हाँ, हम अपने चैनल के माध्यम से डीसी राजौरी से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। दाम तो पूरे लेते हैं लेकिन दूध जो है आधा पानी और आधा दूध, हमारे आने वाला भविष्य, हमारे छोटे बच्चे जो हैं, जो कि खास करें म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो टोटल जो है दूध पर निर्भर रहते हैं, और इनकी आस में बैठे रहते हैं कि सुबह दूध आएगा तो हम लेंगे। लेकिन ये आधा दूध और आधा चश्मे का पानी पिलाते हैं, क्योंकि राजौरी में चश्मे का पानी कम मिलता है ना, वो उसको मिला के दोनों मिला के कहीं कि इनको चश्मे का पानी भी मिल जाए और गाय का दूध भी मिल जाए। जी हाँ, दोबारा हम इनकी तस्वीर लीजिए, और हम डीसी राजौरी मोहम्मद नजीर शेख से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। खासकर म्युनिसिपैलिटी इस कार्य में क्यों चुप है? राकेश तारा, JK News Break, राजौरी।